Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम अपने सेकंड राउंड ऑफ हाउस म्यूजिक का जो ट्यूटोरियल चल रहा है उसके ऊपर है। तो कल हमने देखा कि हम लोग बीट्स कैसे बनाते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर था, लेकिन आज हम फिर भी हम थोड़ा बहुत और उसको एडवांस लेवल में करेंगे। तो आज हम थोड़ा कॉर्ड्स और जो बेस लाइन कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर के ऊपर से मैं ये हाउस लाइन का हाउस म्यूजिक कैसे बनाते हैं उसके ऊपर जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग ये पूरे गाना या हाफ गाना जो है कैसे भी हम लोग बना के इसको फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैं लोड कर देता हूँ कल का जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, तो वो था, मैंने हाउस म्यूजिक ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ था। तो ये था ट्यूटोरियल कल का। तो मैं ज़रा अपना हेडफोन्स लगा लूँ और ये ज़रा खेल के देखते हैं। पहले देखता हूँ कि साउंड आ रहा है कि नहीं आपको इसमें। तो आपको अभी आ रहा होगा, मेरे को दिख रहा है इधर की लेवल्स आ रहा है। तो हमने कल जो किया था, मैंने बहुत कुछ जो बेसलाइन कल ऐसे ही मैंने ट्रायल किया था वो मैंने डिलीट कर दिया। तो मैं आपको सुना देता हूँ पहले कि हमने जो शुरू किया था सिर्फ एक किक और क्लैप से जो था, और उसके बाद फिर किक, हाई हैट और क्लैप और मेन बीट जो हमने बनाया था वो। तो अभी मैं ज़रा खेल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये था हमारा जो प्रोग्रेशन हमने बनाया था कल, जस्ट एक तीन बीट का। और मैंने ये जो बनाए थे प्रोग्रेशन, बेसिकली ये सिर्फ ड्रम्स का मैंने बनाया था। तो आज हम बेसिकली सोच रहे हैं कि हम लोग इसमें एक्चुअली कॉर्ड्स कैसे बनाएं। अभी मैं कॉर्ड्स और स्केल का पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको ऊपर जो है अपना जो वीडियो है उसके आप देख सकते हो, आपके राइट साइड में मिलेगा आपको जो कॉर्ड्स और स्केल्स अगर सीखना चाहते हो तो मैं उसका जो डिटेल्स है ये राइट साइड में जो है आपका डाल दूंगा, ऊपर देख सकते हो, वो जाके सीख क्या सकते हो। तो मैं पूरा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी जाके एक कॉर्ड बनाऊंगा। मैं बेसिकली मैं तो यूज़ करता हूँ अभी आजकल जल्दी कॉर्ड्स बनाने के लिए, मैं यूज़ करता हूँ अपना कैप्टन कॉर्ड्स, क्योंकि जल्दी काम हो जाता। अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन सा गाने पे मैं म्यूज़िक बनाऊँ, क्या है कैसा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैप्टन कॉर्ड्स यूज़ करके तो थोड़ा मुझे आइडिया भी मिलेगा कि मैं कौन सा कॉर्ड्स बनाऊं। तो किसी के पास कैप्टन कॉर्ड्स है तो मैं लिंक जो है नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना, नीचे लिंक होगा। तो ये है कैप्टन कॉर्ड्स, जो बेसिकली आप एक टाइम फीस है ये दे सकते हो और ख़रीद सकते हो ये सॉफ्टवेयर। ये नेट होना ज़रूरी है बिकॉज ये नेट के हिसाब से ही चलता है। देखिए चेक इन करता है बिकॉज आपका जो लाइसेंस है उसके हिसाब से वो लोग चेक इन करके ये लोग अंदर जाता है। तो अभी मैं बेसिकली कैप्टन कॉर्ड्स में, जैसा मैंने बताया मेरे को मालूम नहीं है मैं कौन सा कॉर्ड में बनाऊंगा, तो अभी मैं रैंडमली मैं सोच रहा हूँ एक एफ मेजर कॉर्ड का जो है, मैं थोड़ा हाउस म्यूज़िक बना रहा हूँ, थोड़ा हेवी टाइप म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ मैं। तो एफ़ मेजर के मैं जो है कॉर्ड में मैं बनाना चाहता हूँ, तो लेते हम लोग एफ़ मेजर का और मैं इसको गो मार देता हूँ, ठीक है। अभी जब कैप्टन कॉर्ड जब खुलता है तो नॉर्मली हमको ऑलरेडी कॉर्ड्स का ये जो है डिटेल्स देता है। तो एफ़ मेजर आप देख सकते हो, एफ़ ए सी, जो जिसको अगर कॉर्ड्स के बारे में मालूम नहीं है तो कैप्टन कॉर्ड्स जो है बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसको मैं अभी ज़रा खेल के देखता हूँ। तो ये अभी मेरे को ये एक नॉर्मली एक पियानो एफ़ मेजर कॉर्ड के बारे में खेल के दिखाया। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं अपना जो है इंस्ट्रूमेंट भी सेलेक्ट कर लूँ उसमें। ये देखते हो ये मेरा वर्स है, प्री कोरस है और कोरस है। तो मैं तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकता हूँ इसमें। तो अभी मैं फ़िलहाल मैं जो है वर्स, आई मीन वर्स का जो है इंट्रो जो है मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं पहले साउंड जो है मेरा नॉर्मल पियानो लेना चाहता हूँ, बाद में कभी भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ओके। और इसका जो ऑक्टेव जो है अभी एफ़ थ्री में है, उसको मैं थोड़ा नीचे करना चाहता हूँ। तो मैं जो इसका जो है ऑक्टेव, देखिए इधर देख सकता हूँ ऑक्टेव, मैं सेकंड में डाल दिया, ठीक है। तो मेरा पहला कॉर्ड हो गया एफ़ मेजर। अभी देखिए एफ़ मेजर के साथ कौन कौन सा कॉर्ड जाता है। ये जो रेड में दिख रहा है ये सब मेजर कॉर्ड है, ये ब्लू में जो दिख रहा है सब माइनर कॉर्ड्स है, और ग्रीन में जो है डिमिनिश कॉर्ड है।
तो अभी अभी आपको ये डिमिनिश्ड और ये कॉर्ड्स के बारे में मालूम नहीं है, इसके ऊपर मैं एक पूरा एक डिटेल बताऊंगा मैं। मेजर माइनर तो मैंने आपको बताया था, माइनर साउंड सैड इमोशनल, और मेजर जो है थोड़ा हैप्पी साउंडिंग कॉर्ड्स रहता है, और डिमिनिश्ड है और सेवेंथ है। तो बेसिकली डिमिनिश में थोड़ा क्या है, सस्पेंसफुल टाइप एक फील आता है उसमें। फिर सेवेंथ जो नोट जब लग जाता है तो उसमें थोड़ा हम लोग को सरप्राइज्ड जैसे एक फीलिंग आता है। तो हर कॉर्ड में एक फीलिंग रहता है दोस्तों, तो उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं, समझ गया। तो डिमिनिश्ड जैसे मैंने बताया, मैं अभी सस्पेंसफुल या सरप्राइज्ड वाला जैसा म्यूजिक नहीं बना रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ अ बिट मोर ऑन अ हैप्पियर काइंड ऑफ नोट। तो मैं ज़्यादा मेजर कॉर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, शायद उसमें एक माइनर कॉर्ड आ सकता है फॉर प्रोग्रेशंस, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू यूज़ मोर ऑफ मेजर कॉर्ड्स। तो मैं इधर देख सकता हूँ, आई कैन यूज़ बी फ्लैट मेजर और सी मेजर में मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, एफ मेजर के बाद मैं सी मेजर ट्राई कर लेता हूँ। पहले एफ मेजर हो गया हमारा, फिर ऐड कर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं सी मेजर ट्राई कर लेता हूँ। तो अभी खेल के देखते हैं इसको, ठीक है। तो मैं सी मेजर के बदले बी फ्लैट मेजर खेल के देखता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं वापस एक माइनर कॉर्ड मैं लेके आना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ मेजर मैं थोड़ा इमोशन को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ जी माइनर ज़रा यूज़ कर ले, और ज़रा कोशिश करते हैं, ठीक है। देखा, आपने देखा जब माइनर पे आता है वो इमोशन थोड़ा, और लेकिन ये थोड़ा हैप्पी ट्यून आ रहा है। तो ये जो बी फ्लैट के साथ जी माइनर मुझे थोड़ा अच्छा लगा जा रहा है, लेकिन हम फिर भी और भी कोशिश कर सकते हैं। इधर ए माइनर भी है, लेट्स लेट्स हैव लिसन टू इट। और एक और है इधर, डी माइनर भी है। मुझे को डी माइनर बहुत अच्छा लगा, इट्स एक्चुअली गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि इसमें क्या एफ और डी का जो नोट है बेसिकली एक ही साथ जा रहा है। इट्स मोर रिलेटिव देन दी अदर कॉर्ड्स, और सिर्फ ए और बी फ्लैट, ए और ए शार्प के एक नोट है जो चेंज हो रहा है बस फ्रॉम बी फ्लैट मेजर टू डी माइनर। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अभी फाइनल में एक और कॉर्ड यूज़ कर सकता हूँ, मैं एक मेजर और यूज़ करना चाहता हूँ। या तो मैं इधर देखिए, इधर मेजर, अभी मेरे पास तीन मेजर था इस एफ मेजर के, इसमें जो जा रहा है उसमें से मैंने एफ मेजर यूज़ कर लिया, बी फ्लैट मेजर यूज़ कर लिया, और अभी मैं लास्ट वाला जो है सी मेजर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा, बहुत ही अच्छी तरह इसका जो है कॉम्बिनेशन जा रहा है। मैं जरा ऑक्टेव जरा नीचे करके देखता हूँ और खेल के देखता हूँ। ये नहीं, ये बेसिकली ये पूरा, ये एक मिनट यार, मैं ये थोड़ा लोचा इसमें, मैं इसको थोड़ा इसको कर देता हूँ। ये एक्चुअली एक बग है अपना, हाँ चाहिए। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है देखो, इधर ड्रैग दिस क्लिप टू योर डॉ। अगर आपके पास कैप्टन कॉर्ड्स नहीं है कोई टेंशन नहीं, आप लोग ये कॉर्ड्स अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं बस ये ट्यूटोरियल थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है मैं क्या म्यूज़िक बनाने वाला हूँ, कौन सा हाउस म्यूज़िक बनने वाला है इसमें। जैसे हमने खुदा जो ख़त्म किया था ये भी हम करेंगे, सो वी विल डू इट टुगेदर। तो अभी मैं एक्चुअली आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप दिस ऑल्सो। अभी जैसे मेरा ये जो पैटर्न है, ये कैप्टन कॉर्ड का जो पैटर्न है, मैं इधर एक्चुअली एफ एल कीज़ भी ले सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एफ एल कीज़ ले लेता तो हूँ एक, और ये मेरा एफ एल कीज़ आ गया। तो मैं एक्चुअली ये जो पैटर्न है मैं एक्चुअली ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ इधर। ये देखिए एफ एल कीज़ में चला गया, तो ये सेव्ड है एक्चुअली मेरा एफ एल कीज़ में, ठीक है। ये पैटर्न फॉर्म है, उसको उधर ही रहने दीजिए, मैं डाल नहीं रहा अभी, इसको बंद कर देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा फ्लेवर लेके आऊँ मैं, मतलब सिर्फ कॉर्ड्स नहीं, मेरे को थोड़ा फ्लेवर चाहिए। आप इधर देख सकते हो रिदम है इधर, देख सकते हो, और इधर एक दूसरा फ्लेवर टाइप दिया है, सिक्स सेवन्थ आप लोग जो दे सकते हो, मतलब इसमें सेवन्थ देना है फिफ्थ देना है। तो मैं सोच रहा हूँ एक माइनर पे एक फ्लेवर देखे देखते हैं एक सेवन्थ नोट का। तो देख सकते हो सेवन्थ नोट पे क्या होगा, बेसिकली मैं दिखाता हूँ, एक और नोट उसमें आ गया एक्स्ट्रा, देखा आपने। अभी ए सी, ठीक है, इधर जो है अपना एक सेवन्थ जो है उसका जा रहा है अभी। मज़ा नहीं आया मेरे को सेवन्थ फ्लेवर इसका, सो इसको मैं ज़रा अंडू कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कौन सा एक नोट पे मैं सेवन्थ अगर इधर दे दूँ देता तो देखते कुछ फ़र्क। मैं थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है। इधर एक बी फ्लैट आ रहा है, इधर भी बी फ्लैट है,
तो मैं शायद सी मेजर इधर लेके आ सकता हूँ, लेट मी सी हाउ इट साउंड्स। ओके इतना मजा नहीं आया, मैं एक काम करता हूँ इसको जो है डिलीट कर देता हूँ पहले, और इधर जो है मैं सी मेजर में से और फ्लेवर सेवेंथ डालता हूँ। देखिए इधर बी फ्लैट आ रहा है, तो लेट मी सी, नहीं मुझे पहले वाला ही पसंद था तो इसको निकाल देता हूँ मैं। तो मेरा कौन सा था पहले वाला, डी माइनर था, फिर बाद में सी मेजर आ रहा था मेरा, मैं सी मेजर ही कर रहा, यही सही है, मेरे को यही सही लगे, ज़्यादा ये नहीं कर रहा। तो आप ज़रा रिदम चेंज करके देखते हैं हम लोग इसमें क्या होने वाला है रिदम में, ठीक है। तो रिदम जो है हमारा ताल, तो इधर तो अभी एवरी कॉर्ड चेंज, मतलब हमारा कार्ड के इसके कॉर्ड्स के ऊपर जा रहा है। अभी ये एक्शन जो है मारूंगा तो आप देख सकते हो, देखो कैसे एक एक चॉप हो गया। अभी मैं इसको खेल के देखता हूँ, अभी इसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो इसको हम लोग ले लेते अभी दोस्तों, और मैं अभी इसको जो है कॉपी करूँगा हमारा सेम ये जो है कैप्टन कॉर्ड्स का वर्ड्स में। तो मैं इसको लेता हूँ अभी अपना जो पियानो रोल है, और ये पैटर्न फोर था, पैटर्न थ्री में मेन बीट है, पैटर्न फोर में मैंने एफएल कीज डाला था और कैप्टन कॉर्ड्स, और ये कैप्टन कॉर्ड्स की इसी में मैं डाल देता हूँ। ये बाद में हम लोग चाहे तो ये चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, नहीं पहले इसको अगर मैं इस कैप्टन कॉर्ड्स का साउंड यूज़ करना चाहता हूँ तो आई हैव टू पुट इट इन मिडी इन, फिर उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। और अभी जो हमारा कैप्टन कॉर्ड जो है, और ये मैं नंबर तीन में डाल देता हूँ मिक्सर का, वो सब हम नेम करेंगे अभी। तो कैप्टन कॉर्ड्स का जो है मैं इधर अभी पैटर्न फोर कैप्टन कॉर्ड्स और एफएल कीज एक साथ आ रहा है तो इधर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और अभी इधर से खेल के देखते हैं अभी हम लोग, देखा दोस्तों। अभी अब मेरे को क्या है, अभी बेसिकली अब मैं क्या करूँ, मैं साउंड डिज़ाइनिंग करूँगा एक एक करके, तो मैं आगे अभी अरेंजमेंट के लिए नहीं बढ़ूँगा अभी मैं, तो ये जो है मैं नहीं देखूँगा। मैं अभी सिर्फ इधर क्या है कंट्रोल दबाने के बाद मैं अभी पूरा जो है मेरा साउंड निकालूंगा एक एक करके। आज हम लोग को बेस लाइन भी चाहिए और कॉर्ड का भी चाहिए हमको, तो हम लोग कॉर्ड में एक गाने के अंदर जितना चीज़ें रहता है वो सब हमें ढूंढना पड़ता है, जैसे जो एलिमेंट्स रहते हैं गाने के अंदर, जैसे क्या क्या होता है हमारे रिदम स्ट्रक्चर होता है, तो रिदम का कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए वो हमें ढूंढना है, फिर उसके बाद बेस लाइन कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, कौन सा बेस लाइन कब आना चाहिए, फिर मेन लीड इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो कब आना चाहिए, फिर उसके बाद होता है अगर वोकलिस्ट होगा तो वोकलिस्ट के लिए कौन सा फीमेल है या मेल है, और वो वोकलिस्ट के हिसाब से भी ये इंस्ट्रूमेंट्स उनके साथ मेलजोल होना चाहिए, समझ गए आप। तो ये सब अभी हम इसमें फिक्स करेंगे पहले, तो अभी हम सिर्फ वर्ड्स के लिए देख रहे हैं, प्री कोरस और कोरस अगर हो गए गाने पे मालूम नहीं, अभी जैसे जो बनेगा और फॉलो होगा उसके हिसाब से। बहुत लोगों ने मेरे को पूछा गाना कैसा बनता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है, मैंने सबसे पहले बीट से शुरू किया था, हाउस म्यूज़िक का स्ट्रक्चर। अभी मेरे से हज़ार मत पूछना दोस्तों, हर जॉनरे मतलब स्टाइल में ये होता है। बॉलीवुड जो लोग पूछते हैं, बॉलीवुड में भी आजकल ये स्ट्रक्चर चल रहा है, समझ गए। कोई बॉलीवुड या हिंदी म्यूज़िक, मलयालम म्यूज़िक, तमिल म्यूज़िक, कर्नाटिक म्यूज़िक, सब अपना अपना एक स्टाइल है। बॉलीवुड एक स्टाइल नहीं है, बॉलीवुड मतलब क्या बोलेंगे आप बॉलीवुड को, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऑल टुगेदर है, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर है उसमें, समझ गए। बॉलीवुड में तो पंजाबी भी बनता है, गुजराती भी लोग हैं, साउथ से भी लोग हैं, सब लोग मिक्स कल्चर है, गाने भी ऐसे बनते हैं फ्यूजन में, तो हम लोग बॉलीवुड म्यूज़िक नहीं बोल सकते, समझ गया। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर बन रही है हाउस म्यूज़िक का स्ट्रक्चर है बेसिकली, ओके, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं वापस हमारे स्क्रीन पे। तो अभी हम कोशिश इधर कर रहे हैं कि पहले कॉर्ड्स का, तो अभी जो हमने कैप्टन कॉर्ड्स में जो निकाला था तो हम लोग देख लेते हैं पहले इसमें कि क्या क्या है। तो हमेशा मैं एक आदत रखता हूँ मेरा, क्योंकि
मैं जो करता हूँ अभी फॉर एग्जांपल अबाउट ले लेता हूँ, मैं हमेशा जो है मेरा गाने का डिटेल्स लिख देता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी मैं इसमें टाइटल लिख देता हूँ हाउस म्यूज़िक ट्यूटोरियल, ठीक है, क्योंकि हम लोग भूलने का जो है बीमारी हम सब में है। ये मत सोचना सब लोग सुपरमैन है, याद रखेंगे ये सब। तो मैं अपना डीजे नियर जॉनरे हाउस म्यूज़िक, ठीक है, वो बाद में देखेंगे जॉनरे, अगर आपको चाहिए तो इधर बहुत सारे देखो स्टाइल्स है, क्या है कैसा है सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं हाउस लिख रहा हूँ उसमें। अभी इसमें कमेंट में मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ मेरे को कॉर्ड्स चाहिए मुझे, तो कॉर्ड्स का जो है प्रोग्रेशंस, ठीक है, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, नहीं तो भूल जाता भी। अभी मेरा पहला कॉर्ड प्रोग्रेशन मैं लिख रहा हूँ वर्ड्स के लिए, ठीक है, विच इज़ एफ मेजर, ठीक है, फिर उसके बाद मेरा है, इधर ही लिख देता हूँ मैं, फिर उसके बाद मेरा है बी फ्लैट, बी फ्लैट को जो छोटा बी है उसको फ्लैट बोलते हैं, बी फ्लैट मेजर, ठीक है, फिर उसके बाद है मेरे पास डी माइनर, ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है मेरा सी मेजर, ठीक है, मेजर सॉरी ओके। इधर मेरे को थोड़ा ओसीडी है, मैं ज़रा इसको भी ठीक कर दूँ, ये ज़रा एम, ये छोटा वाला एम डाले तो इसमें, वैसे मेजर के लिए एम ऐसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू राइट ऑल मेजर, सिर्फ माइनर के लिए हम लोग लिखते हैं, तो मैं निकाल ही देता एक्चुअली, जब व्हेन वी राइट एफ मतलब वो मेजर ही है, समझ गया, तो और ये बी फ्लैट भी मेजर ही है वो मेरे को मालूम है, माइनर के लिए हम लोग माइनर डी एम लिखते हैं, ठीक है, तो सी मेजर जो है मुझे मालूम है सी मेजर ही है, तो अभी मुझे मालूम है एफ है, फिर बी फ्लैट मेजर है और डी माइनर है और सी है, तो ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे क्या ये क्यों चाहिए, बिकॉज दिस विल हेल्प मी मेरा बेस लाइन बनाने के लिए, तो बेस लाइन के लिए मेरे को ये रूट नोट लेना पड़ेगा, यू गेट मी, इसका रूट नोट पे मैं बेस लाइन बनाऊंगा। तो अभी लिख लीजिए आप एक और बार, मैं अभी लिख देता हूँ एफ, मैं इधर लिख देता हूँ, ये तो मैंने सेव करके रखा है, तो एफ हो गया, फिर बी फ्लैट हो गया, ये लिख के रखना ज़रूरी है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आपको, नहीं तो भूल जाएंगे आप, फिर सी, अगर आपको इतना अच्छा आपका दिमाग है तो सही है आप, ये तो ठीक है, ये बंद कर देता हूँ अभी मैं, ये भी मैं मीडी में डाल के बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे ये मैं लिख रहा हूँ रीनेम, ये मेरा है कॉर्ड्स, ठीक है, और मैं ऐसे ही एक कलर ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको रीनेम कर देता हूँ बेस, मैं कल एक बेस बनाता लेकिन वो मैंने ऐसे ही फालतू में लिया था, इसलिए आप वो लेने का ज़रूरत नहीं है, ये मैं नया बना रहा हूँ बेस लाइन वन, क्योंकि अभी मेरे को मेरा कॉर्ड्स का स्ट्रक्चर मिल गया है, मैं उसके ऊपर से बनाऊंगा, ठीक है, तो बेस लाइन वन, तो अभी हम लोग एक नया ये भी लिख देता हूँ रीनेम, और इधर मैं लिख देता हूँ कॉर्ड्स का, ये मेरा कॉर्ड्स का हो गया, फिर मैं नेक्स्ट पैटर्न पे बेस लाइन बनाऊंगा। अभी बेस लाइन के लिए हमको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अभी कैप्टन कॉर्ड्स में भी सेम अच्छा खासा बेस लाइन मिल सकता है, ये देखिए, अभी मैं अगर इसमें से निकालूंगा कैप्टन डीप में, तो मेरे को ये कैप्टन कॉर्ड्स बहुत हेल्प करता है बेस लाइन वेस लाइन बनाने के, ये देखिए ऑटोमेटिकली, देखिए ये एफ का ले लिया, फिर उसके बाद सेकंड मेरा कॉर्ड कौन सा था, बी था, बी फ्लैट ले लिया, फिर उसके बाद थर्ड कॉर्ड मेरा डी था, डी ले लिया, फिर सी। तो अभी हम लोग ये खेल के देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा एक टूल है दोस्तों, अगर आपको इसका कुछ मालूम नहीं है तो कैप्टन कॉर्ड्स ले लीजिए, अगर आप लोग नए हो, ये बहुत टाइम बचाता है, इवन जो लोगों को प्रोड्यूसर्स को इसके बारे में मालूम है, प्रोडक्शन के बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी ये बहुत आपको एक्स हेल्प करेगा। तो अभी देखते हैं, खेल के देखते हैं। तो हम लोग अभी इधर देख क्या रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा है इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका रिदम पैटर्न जो चल रहा है, वो सब देखने के बाद हम लोग हमारा गाना जो है आगे बढ़ाएंगे। अब ये तो नॉर्मल है जो टिंग 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 टिंग, ये तो ज़्यादातर हर बॉलीवुड जैसे आप लोग बोल रहे हो या रिमिक्स में ये सुनाई देता होगा आपको। है कि नहीं, ये जो है हर बॉलीवुड में आपको ये स्ट्रक्चर सुनाई दे रहा होगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग इसको रिदम ज़रा चेंज करके देख, तो हमने पहले एक्शन कर लिया था तो उसको ही जाके देखते हैं। अभी देखिए चेंज हो गया, अभी हम लोग खेल के देखते हैं। मुझे ये पसंद है, मैं खेलते खेलते मैं देखूंगा कौन सा रिदम मुझे पसंद है, उसके हिसाब से मैं लूंगा, ठीक है।
देखिए ये बैठ रहा है, ये सेम है एरोडायनामिक जो हमने लिया था, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये बैठ रहा है, तो इसको ले लेते हैं अभी हम लोग और इसको डाल देंगे हम कहाँ पे, हमारे कैप्टन डीप पे, ये नंबर 4 पे जाएगा हमारा। और ये मैंने डाउन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया कैप्टन डीप पे, और ये जाएगा हमारा बेस लाइन। तो ये हमारा हो गया वोर्स का बेस लाइन। तो इसको खेल के देखते हैं अभी एक मिनट, पहले इसको बंद कर देता हूँ। लेकिन बंद करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसी में से मैं इंस्ट्रूमेंट ले लूँ, तो हम लोग चेक करते हैं इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, देखिए इधर अभी ये है, अगर इसका इंस्ट्रूमेंट नहीं पसंद आया तो हम लोग ये मिडी जो हमने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, हम लोग दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिट्रस हो गया या फ्लेक्स हो गया, कुछ भी यूज़ कर सकते। लेकिन हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अभी ये साउंड प्रीसेट है, इधर ये ओली बेस पे है, तो मैं बेस लाइन पे देखता हूँ अभी इनका प्लक्स भी है। चलो इधर से शुरू करते हैं। ओके, सो जरा मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा, तो मैं सोच रहा हूँ ये अभी ले लेता हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सीखने के चक्कर में, मैं बाद में भी जाके बैठ के साउंड डिज़ाइनिंग कर लूँगा, मैं नहीं चाहता कि आपका मैं टाइम भी वेस्ट करूँ मैं, तो हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको इसका साउंड चाहिए तो आपको मिडी इनमें डालना पड़ेगा, तभी जाके चलेगा। तो हमने ले लिया अभी एक बेस लाइन, मैं अभी रीनेम कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे साथ रहना। इसमें ड्रम्स किधर गया, तो ठीक है दोस्तों। तो हमको अभी कितना इंस्ट्रूमेंट मिला, 1, 2, 3 इंस्ट्रूमेंट्स मिला, 3 नए ड्रम्स के अंदर बहुत कुछ, वो बाद में हम लोग उसको सेग्रीगेट करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी मैंने आज आपको जैसे लिखा था कॉर्ड्स और बेस लाइन कैसे बनाना है, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक नहीं, मैं और भी एक और बेस लाइन बनाऊँ। तो उसके लिए अभी मैं एक और जो है अपना कैप्टन कॉर्ड्स में से ही, सॉरी मैं वो बंद कर दिया, कैप्टन कॉर्ड डीप में से जो है उसका मैं ले लेता हूँ ज़रा, और इसी में ही पैटर्न 5 जो हमारा, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ज़रा, नहीं तो भूल जाते हम लोग हमेशा। तो ये है हमारा बेस लाइन, और मैं बेस लाइन 1, तो नेक्स्ट एक और मैं बना लेता हूँ, इसको ज़रा म्यूट करता हूँ मैं, ज़रा चेक कर लेते ना हम लोग कि भाई क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो वो इसमें चलते हैं अभी, और ये तो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके डाल दिया, तो ये चलेगा डेफिनेटली, अभी हम आगे भी देख सकते हैं। तो ये अभी जो है इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये मैं इलेक्ट्रो हार्प में, मेरे को ये थोड़ा अच्छा लगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि थोड़ा आगे जाके जब हम लोग कुछ चाहिए होगा तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा कुछ अलग सा दूंगा इसको, ज़रा देखते एक मिनट,
मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग से एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट दे दूँ, तो मैं फ़िलहाल जो है इसको सैम्पलर में डाल देता हूँ, बिकॉज मैं अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं जानता कि मैं कौन सा यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं सैम्पलर जो है, अभी एक मिनट, इधर किधर गया मेरा सैम्पलर जो है यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो अभी सिट्रस में डाल देते हैं। सिट्रस इधर पड़ा है वो, तो इसे अभी मेरे को जो दिख रहा है, सैम्पलर तो दिख ही नहीं रहा, बुढ़ा हो रहा यार, क्या करूँ मैं, अभी मुझे भी नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है आजकल मेरे को। तो इधर डाल दिया, तो वो फ़िलहाल मैं यूज़ करने के लिए। और सिट्रस में से मैं देखता हूँ अगर कोई है बेसलाइन है अच्छा खासा, मेरे को एक डीजी का बहुत पसंद है, और उसके बाद ये रहा बेसलाइन, ये रहा डीजी भी है, डीप भी है, तो डीजी ज़रा यूज़ करके देख लेते हैं इसको और ज़रा चेक कर लेते हैं सिर्फ पैटर्न में। बहुत ही ज़्यादा ही डीप है डीजी इसके लिए, और कुछ देखते हैं। अभी ये एक्चुअली क्या हो क्या रहा है कि एक्चुअली पीछे अपना जो है भाई साहब ये भी खेल रहे हैं, क्योंकि हमने ये ऑन कर करके ये मिडी इन में रख देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इसकी आवाज़ आए। ठीक है, ये थोड़ा इलेक्ट्रो टाइप आ रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं दोस्तों, कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ज़रा डाल देते हैं इसको इसके साथ और ज़रा चेक करके देखते हैं भाई क्या लगता है इसमें। अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं इसका, मैं थोड़ा खेल रहा हूँ इसके साथ। मैंने चाहता है कि इसका टेलिंग थोड़ा ज्यादा हो, मैं इसलिए कम कर रहा हूं, मैं बस थोड़ा अटैक वाला जैसा इफेक्ट चाहिए मेरे को। ये सही है, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा अभी। ठीक है दोस्तों, मेरे को थोड़ा ये बेचना है, थोड़ा अच्छा लगा अभी। एक एक और मैं जो है कॉर्ड का देखता हूँ। अभी मैं जो चाहता हूँ, मैं एक्चुअली इसके साथ जरा खेल के देखता हूँ कैसे आता है अपना ये जो मेन बीट है, क्योंकि एनर्जी वाला हम लोग गाना बना रहे हैं थोड़ा इसमें, तो देखते हैं अभी ज़रा इसको, कोशिश करके देखते हैं इसके साथ। ठीक है,
तो दोस्तों आपने देखा कि अभी हमने जो ये जो बनाया है बेसिकली एक छोटा सा एक कॉर्ड स्ट्रक्चर और जो बेसलाइन है कॉर्ड से हमने जो निकाल के बनाया वो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। बेसिकली जो आपको कॉर्ड मिला है वो ड्रॉ भी कर सकते हो और बना सकते हो। लेकिन बेसलाइन क्या होता है, कॉर्ड का जो सबसे रूट नोट होता है जो की होता है, अगर सी मेजर है तो सी का इसमें हम लोग बेस बजाते हैं, उसमें एक एक नोट से हम लोग बेस बजाते हैं। अगर जी मेजर है तो फिर जी माइनर होगा तो भी जी लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर सी मेजर है तो सी का नोट लेके बेसलाइन बनेंगे, सी माइनर होगा तो भी सी लेंगे। तो ये ज़रा ध्यान रखना दोस्तों। और बेसलाइन जो है रिदमिक होता है थोड़ा, तो हम लोग ताल के ऊपर बेसलाइन बनाते हैं, वो ताल मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो अभी जो आज मैंने दिखाया आपको कॉर्ड्स और बेसलाइन कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको दिखाया। इसके ऊपर मैं और बैठूंगा, बिकॉज देखो म्यूज़िक जो ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं आपको अभी जैसे बना के और सब कुछ एक अच्छा खासा हो गया। अभी हम लोग सुनते हैं कि और थोड़ा देर के बाद हम देखेंगे नहीं यार ये सही नहीं है, मैं और कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ। जैसे हमने एक खुदा भी बनाया था, हम लोग को ऑलमोस्ट लग गया था 2-3 हफ्ता, सेम उसी की तरह। तो आप लोग अभी तक जो मैंने दिखाया सीखिए और कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, नीचे लिख लीजिए कमेंट बॉक्स पे। और मेरा ऊपर जो है इधर अपना कहाँ इधर आएगा शायद, इधर जो है पूरा पुराने जो वीडियोस का है लिंक आता रहता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है स्केल्स और कॉर्ड्स के ऊपर पीछे वाले ट्यूटोरियल में जाइए और देखिए। और दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारा मेंबरशिप खुल गया यूट्यूब का जो है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हो अभी देख सकते हो, सब्सक्राइबर के बटन के नेक्स्ट के पास में ही ज्वाइन का बटन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मंथली छोटा सा एक फीस रहता है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को एक्सक्लूसिवली सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये वीडियो के भी नीचे आप देख सकते हो ज्वाइन का एक बटन है, तो आप लोग अगर गोल्ड मेंबर, सिल्वर मेंबर या उससे भी बड़ा मेंबरशिप है हमारा ज्वाइन करना चाहते हो उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिसको भी अगर FL Studio सीखना है मेरे से तो मुझे djneodxb@gmail.com पे मेल कर दीजिए और मैं आपको पूरा डिटेल्स भेजूंगा फीस के हिसाब से जो भी है, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ग्रुप क्लासेस अभी शुरू होने वाला है फेब्रवरी जो 25th है, बेसिकली सैटरडे, ये सैटरडे शुरू होने वाला है पहला ग्रुप क्लासेस। ऑलमोस्ट 10 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो सेकंड बैच नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक शुरू होगा, लेकिन अभी एडमिशन ओपन है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इतना बोल के मैं चलता हूं दोस्तों। जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इधर हम लोग सीखते हैं म्यूज़िक, FL Studio, ऑडियो इंजीनियरिंग और बाकी सब कुछ रिलेटेड टू म्यूज़िक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना और मैं भी आप लोगों से सीखूंगा। जो भी है आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू सून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।